किसी से पूछिएगा, आप रिपोर्ट लीजिएगा कि सीमा रावो को अकेले कार्यालय पर क्यों भेजा, एक बार नहीं दो दो बार। किसके पास? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय पे हमास से ओम प्रकाश राजभर का त्याग करते हैं। सुना, ये है ओम प्रकाश राजभर की। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बलिया की महिला मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सीमा राजभर, जिन्होंने पार्टी में महिलाओं और राजभर समाज के शोषण का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं सुभाषपा में जिला अध्यक्ष के पद पे थी। अभी क्या हो गया? अभी मैंने आज इस्तीफा दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत इस पार्टी में बहुत शोषण हो रहा है महिलाओं का, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं ज़मीनी काम करना जानती हूँ, मैं ज़मीनी से काम पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि जो मेरे साथ रहे वो भी ज़मीनी काम करे, न कि ये गंदागिरी करे। ये जो इस पार्टी के मेन जो जिला अध्यक्ष है, वो मेन प्रवक्ता है, वो मेन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच की राधिका पटेल है, वो ये सब शोषण करते हैं सब अच्छे कार्यकर्ताओं का। महिला तो महिला, सीमा राजभर का आरोप है कि पार्टी ने पार्टी के आला नेता खास तौर पर राधिका पटेल ने राजभर समाज का भी अपमान किया है। आज इस्तीफा हम लोग 35 से 40 महिला हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और राधिका पटेल ने जो कृत्य किया है ना हमारे साथ, वो हम माफ नहीं करेंगे। राजभर की पार्टी में आप ही बताइए कि राजभर के पार्टी में राजभर को ही गाली देना क्या है ये सब? राजभर को लुक्कड़ बना रही हो, राजभर को गंदा बना रही हो, गाली बाज बना रही हो इस राजभर को। राजभर के ही पार्टी में रह के तुम पटेल समाज की हो के हमारे राजभर को क्यों गाली दे रही हो? क्योंकि राजभर समाज रैलियों में भीड़ करता है, राजभर समाज जिले में सम्मेलन कराता है, प्रदेश में सम्मेलन कराता है, पूरा राष्ट्र में सम्मेलन कराता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंच की राधिका पटेल हमारे समाज को गाली देती है। अपने इस्तीफे से पहले सीमा राजभर ने पार्टी के झंडे को जमीन पर फेंक दिया। इस्तीफे की घोषणा के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। सीमा राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर पिछलग्गुओं की बात मानकर पार्टी को समाप्त करने में लगे। ओम प्रकाश राजभर को त्यागो, ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। बस यही परेशानी है कि वो मेन मुखिया हैं। पहले उन लोगों उनको पिछलग्गुओं की बात नहीं माननी चाहिए। पिछलग्गुओं की बात मान के हमारे पद को क्यों निरस्त करवाए? क्यों नहीं एक बार भी पूछे कि सीमा तुमने क्या ऐसी गलती कर दी जो हम ये तुम्हारा पद को हम निरस्त करने जा रहे हैं? एक बार भी उन्होंने पूछा? आज तो बार बार फोन कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भी उनको पूछना चाहिए कि आज मैं तुम्हारा पद इस वजह से निरस्त कर रहा हूँ। सीमा राजभर का कहना है कि अरविंद राजभर पद देते हैं और ओम प्रकाश राजभर अगले दिन निरस्त कर देते हैं। तो अरविंद राजभर का क्या भूमिका है? अरविंद राजभर जी ने हमारा काम देखकर उन्होंने घोषणा किया, जिला अध्यक्ष का पद का घोषणा किया, और बेटा घोषणा करता है और बाप निरस्त करता है। सीमा राजभर ने ओपी राजभर पर राजभर समाज के लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि वो कभी भाजपा को वोट दिला रहे हैं तो कभी समाजवादी पार्टी को, लिहाजा समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत। सीमा राजभर ने पार्टी के नेता सुनील सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि ओम प्रकाश द्वारा महिला कार्यकर्ताओं को बिना सुरक्षा के चलने को कहा जाता है, उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया जाता है। सुनील सिंह से पूछिएगा, आप रिपोर्ट लीजिएगा कि सीमा राजभर को अकेले कार्यालय पर क्यों भेजा, एक बार नहीं दो दो बार। किसके पास? ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय पे हमास से ओम प्रकाश राजभर का त्याग करते हैं।